हमने सोचा मम्मी के लिए साड़ी भी ले लें। अभी अभी कितनी भी महंगी हो 500 से ऊपर नहीं बताने का। हम लोग इधर लॉन्ज में बैठे हुए मस्त, इधर मस्त मस्त टाइम पास की जगह मिल गई। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये इतना बड़ा अमरूद है। जो सफेद सफेद सा दिख रहा है ना, ये सारा फॉग जमा हुआ है। जो कोहरा है ना, ये सब आके ओस जमी हुई है। अभी बजे हुए सुबह के 4, हम अभी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमको करना है रनिंग। सर काफ़ी ज़्यादा वेट ऊपर नीचे अपना हुआ है, मतलब अभी कल परसों में वेट किया था तो वेट मेरा थोड़ा ज़्यादा है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए रनिंग वापस से स्टार्ट की। और ये मौसम ना रनिंग के लिए बेस्ट है, इस मौसम में रनिंग करके मज़ा आता है। फिलहाल हम कम्प्लीट करेंगे अपनी 3-4-5 किलोमीटर की रनिंग देन आफ्टरनून तक। अगर वाइज सिटी के अंदर फॉग नहीं है, लेकिन जैसे सिटी के बाहर निकलने लगे फॉग बढ़ने लगा है। अभी इसके बाद ना फॉग और बढ़ जाएगा। इतना कोहरा अभी कल जब हम रनिंग पे गए थे तो इतना कोहरा था कि सामने का यहाँ का नहीं दिख रहा था। आज तो अभी देखो सब लाइट वाइट अभी एकदम फेड है। इस जगह के बाद से ना आगे और कोहरा बढ़ने वाला है, लेकिन कुछ भी कहो भाई ठंडक की ये चीज़ खूबसूरत लगती है। ये जो कोहरा है ना, ये मस्त लगता है। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर डन, ऐसा कंटिन्यू नहीं किया, बीच में थोड़ी वॉक की, थोड़ा रनिंग की, थोड़ा वॉक की, थोड़ा रनिंग की। देखो सब पूरा फॉग है, ये पूरा फॉग जमा हुआ है, पसीना फॉग का मिक्सचर है। इतनी ठंडक में पसीना निकल आया भाई, थोड़ी तो मेहनत की है। अभी आउट ऑफ द सिटी है, 5 किलोमीटर दूर कहीं पे, और कहीं पे क्या मतलब टीएलएम के आसपास है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट देंगे पैर को, उसके बाद वापस जब जाएंगे तो फिर से लगभग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की रनिंग करेंगे। ये अल्टीमेट गोल है। ये पीछे टीएलएम फॉग इतना बेहतरीन है ना कि इसमें तो वो दिखे, अगर लाइट बंद करेंगे तो थोड़ा बहुत शायद दिखे। ये देखो इतनी ठंडक में एकदम पसीना बह रहा है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है ना, ये सारा फॉग जमा हुआ है। जो कोहरा है ना, ये सब आके ओस जमी हुई है। स्वेटिंग होती है ना कि नॉर्मल रुमाल से काम ही नहीं चलता है। माइक्रो फाइबर उठा लिया हम कार साफ़ करने वाला। ये देखो कुछ हार्डकोर वर्कआउट कर रहे हो तो टॉवल की जगह ये बेस्ट है। माइक्रो फाइबर जो कार साफ़ करने के लिए आता है या गाड़ी साफ़ करने के लिए आता है, वही रुमाल में काम नहीं चलता। यहाँ पे वापस आके फाइनली अभी जाके पूरा कंप्लीट वर्कआउट ख़त्म हो गया है, पूरी रनिंग कंप्लीट हो गई है और एक्सट्रीम स्वेटिंग हो रही है भाई साहब। तो ये सब पसीना ही है, मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद जब हम वॉक करते ना, हवा लगती तब ठंडक लगती है। तब यहाँ से रनिंग निकलनी है, यहाँ से बस वॉक करना है, मज़ा आ गया। घर आते आते 7:20 हो गया। इधर पीनट रखे हुए हैं मूँगफली के साथ में, दिन की शुरुआत होगी और कोशिश करेंगे कि एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। और एक चीज़ और हमने सोचा कि 2 महीने तक लगभग कोशिश करेंगे कि बाहर का जंक फूड ना खाएं। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। अभी नहा धो के बिल्कुल प्रॉपर रेडी, धूप भी खुलाई है जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि धूप खुलेगी। आज बहुत सारे काम है, पापा की LIC जमा करनी है, भैया का चेक जमा करना है। जो घर का सबसे बेरोजगार आदमी होता है, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करता, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भाई उसी के ऊपर होती है। जो सेटल है भाई वो तो चला गया अपने काम से, लेकिन जो उसके बाकी काम है वो एक बेरोजगारी करता है। जैसे हम अभी पढ़ाई खत्म हो गई, अब जा रहे बाकी काम निपटाने। इधर मेरा वेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी था कि हम पैदल नहीं चलते थे, जहाँ जाना हुआ बाइक उठा लिया। इसीलिए अब हमने एक चीज़ ट्राई करना शुरू कर दिया है कि अगर 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कहीं जाना है तो पैदल वॉक करके निकल जाओ। अभी हम यहाँ है ही तो तुमको एक चीज़ दिखा दें। ये जो IDBI बैंक है ना, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे 99 मार्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ें 99 की मिलती हैं। इतना काम करने के बाद हमको पनीर लेना है, यहाँ से ले लेंगे। पनीर ले लिया। लोग डेली ब्लॉग देखते होगे तो सोचते होगे क्या गली गली में कहाँ टाइल है भाई, ये शॉर्टकट है, सारे डिस्टेंस कम कर देती हैं सारी गलियाँ। तुम लोग सोचते होगे कि क्या ही खुफिया जगह रहता है लौंडा। एक बात तो है, ढूंढ तो कोई नहीं पाएगा, घर अंदर है। रॉ एजेंट वाली फीलिंग आती कभी कभी। अमरूद खाने का मन हो गया। छोटा सा गार्डन है, उसमें भी बड़े बड़े से अमरूद लगे हुए हैं। ये देखो इनका टेस्ट एकदम मस्त है, मतलब इस पर कोई पेस्टिसाइड नहीं, कुछ नहीं। एक कहीं अंदर छुपा है वो देखो, बड़ा है ये वाला तोड़ेंगे। पेड़ ना अभी इतने छोटे से ड्रम में एक लगा हुआ है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये इतना बड़ा अमरूद है। सारी अतरंगी चीजें मेरे घर में होती हैं। आज अपना पूरा पिछवाड़ा टीका नहीं है घर पे, आज सुबह से चल ही रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं लखनऊ, थोड़ी पापा की दवा लाना है। अभिषेक को भी थोड़ा सा काम है, उसकी जिक्सर का पार्ट नहीं मिल रहा, मतलब सुजुकी की इतनी अच्छी बाइक होती है, पार्ट अवेलेबिलिटी महादो गौड़ी की। लेट्स गो। इधर अभी हम लोग आए हैं सुजुकी के शोरूम पे। ये कोई स्कूटी नई नई आई है, इसकी क्या नाम है, एंटॉर की कॉपी लग रही। अभी जो इंसान वहाँ दुकान पे बैठता है सामान बेचता है वो भी आया नहीं है। तुम लोग इधर लॉन्ज में बैठे हुए हैं मस्त, इधर मस्त मस्त टाइम पास की जगह मिल गई। इधर सुजुकी के हेलमेट वगैरह रखे हुए हैं, क्या बोलते हो भाई, मार दिया जाए क्या? खैर अपना ज़्यादा अच्छा है, लॉन्च वगैरह हर चीज़ अच्छी है, बस कस्टमर सपोर्ट नहीं अच्छा है सुजुकी का। हम भैया लखनऊ आए थे तो हमने सोचा मम्मी के लिए साड़ी भी ले लें। अभी हम लोग थे गीता वस्त्रालय पे, भैया की चौक ले रही है 8 बजे तक घर पहुंचना। अभी अपना बिल हो रहा है, भैया ने भी साड़ी ले ली है ताकि पहले ना जाए। UPI से करेंगे तो कितना भी टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी खुशी मिला था ना जब मम्मी के लिए साड़ी ले ली। 8 बजे तक घर पहुँचना। 8 बजे
खुशियों का बिल। घर पर जाके बिल कत्ता ही नहीं दिखाना है, बताना है 300 की है। फाइनली मम्मी के लिए साड़ी ले ली। ये जो सपना नहीं होता है हम लोगों का कि मम्मी के लिए साड़ी लेके जा रहे हैं, वो सपना मतलब जब पूरा कर लो तो बड़ा अच्छा लगता है। सपने दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, जब फटती है तो लेना, एक होता खुशी से लेना। नहीं हम खुशी से लेते हैं, भाई फटी ही ले रहा है कि जल्दी घर पहुंचे, लेट हो रहा है ना तो हाथ में कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए, वरना वहाँ पे जूता तैयार रहेगा। लेकिन खुशी तो मिलती है भाई मम्मी के लिए कुछ ऐसा खरीदने में। भाई गाली इग्नोर। इधर से अभी हम लोगों का लेट्स गो हो रहा है, अभी हम चार गाली खाएंगे, लेकिन हम बता देंगे ना कि 300 की ही है, अभी वो कितनी भी महंगी हो 500 से ऊपर नहीं बताने का। भैया अभी जस्ट 7:30 बजे घर आ गए, और सबसे पहला काम जो करना है वो इसका प्राइस टैग हटाना है। इसका प्राइस टैग की ऐसी की तैसी हमने कर दी है, अभी 350 रुपए की है। मम्मी तो तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। साड़ी लाए हैं। अच्छी साड़ी को पहनना।